दोस्तों पूरे देश के लिए बड़े खुशी की बात तो ये रही कि उत्तरकाशी की टनल में फंसे सभी के सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। 8 से 9 बजे के बीच इन मजदूरों को बाहर निकाला गया और 17 दिन तक ये टनल में फंसे रहे। घंटे देखे जाए तो लगभग 423 घंटा इन्होंने टनल में बिताए। ये देख सकते हैं मजदूरों के बाहर आते ही इनके चेहरे की मुस्कान दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि कई दिनों तक काल कोठरी की तरह बिल्कुल अज्ञातवास में जेल में बंद रहते हैं उस तरह से ये कैद थे, लेकिन जैसे ही बाहर आए मानो ये उड़ता पंछी की तरह आजाद हो गए। बाहर निकलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस समय वहाँ मौजूद थे, श्रमिकों से बातचीत भी की, उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे। इन मजदूरों के चेहरे पर आप दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ साफ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये रही दोस्तों, देश भर के करोड़ों लोगों की दुआ इनके काम आई, इनमें से किसी की भी जान नहीं गई, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। ये मजदूरों को किस तरह से निकाला गया इस 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं। ये मजदूर जहाँ फंसे थे वहाँ से ये जो बीच में मलबा था इसके पूरे बीच में आर पार पाइप लगाया गया और फिर अंदर NDRF के जवान गए और अंदर स्ट्रेचर की तरह सीढ़ी नुमा चढ़ने के लिए वो लगाया गया। उसके बाद रस्सी के जरिए सुलाने वाले स्ट्रेचर पर ही एक एक मजदूर को सुला करके निकाला गया। लगभग एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट का समय लगा। टनल से लेकर अस्पताल पहुंचाया गया इन्हें 30-35 किलोमीटर दूर, जहां पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, मतलब ट्रैफिक वगैरह को सबको बंद कर दिया था। ये एम्बुलेंस और अस्पताल की तैयारी अभी आप देख सकते हैं, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। तुरंत इन मजदूरों को बाहर निकलते एक बार इनके हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ये देख सकते हैं माला वगैरह लेकर आ गए कईयों के परिजन तो स्वागत करने के लिए। और इन मजदूरों के श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग बाग भी इतने देखने के लिए उत्सुक थे। देख सकते हैं आप मकान की छतों पर कंस्ट्रक्शन जहां चल रहा वहां भीड़ की संख्या। पिछले 21 घंटों के दौरान 12 मीटर खुदाई हुई। इंडियन आर्मी के मूसक ऑपरेशन के द्वारा काफी फायदा मिला इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये वो माइनर्स की टीम है, रेट माइनर्स की, जिन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकाला। इनका ऑपरेशन सफल होने के बाद टीम की खुशियां मनाते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वो अमेरिका से मंगाई हुई मशीनें वगैरह हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्वीट किया। देख सकते हैं पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस तरह से अपने संयम और साहस का परिचय दिया है वो वाकई में सराहनीय है। और मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने इन श्रमिक भाई लोगों को नया जीवन दिया। ये वो शब्द हैं जो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखे। बहरहाल इन सभी को ढेर सारी बधाई अपने नए जीवन की और इनके परिवार वालों को भी मिलने की खुशियों के लिए मैंने मैंने कांग्रेचुलेशन। इन 41 मजदूरों को बाहर निकलते देखते ही कई लोग रो पड़े, इनके परिजन इतने भावुक हो गए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी इस ऑपरेशन की सफलता पर खुशी जाहिर की, बधाई दी। और इन श्रमिकों ने बाहर आते ही जो कहा वो वाकई में दिल छू जाने वाली बात थी। बाहर आते ही ये बोले कि हम नई दुनिया देख रहे हैं और इनके लिए दिन रात काम करने वाली रेस्क्यू टीम को इन्होंने सैल्यूट किया। तो ये दोस्तों उत्तराखंड उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का लेटेस्ट अपडेट, उम्मीद आपको जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।